इस वर्तमान में सम्यक दृष्टि की पहचान क्या होगा? सम्यक दृष्टि की, देखो ये आर्य का संघ इस वृद्ध अवस्था में भी, लोग कहते हैं वृद्ध अवस्था में कैसे जीवन निकलेगा भी प्रश्न, देखो इस अवस्था में भी पूरे तीर्थों की वंदना कर रहे हैं। दक्षिण भारत से आए आचार्य महाराज की जन्मस्थली के पास में ही हैं, तो इनके संस्मरण भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, उन्होंने बचपन में देखा है महाराज को। तो और सम्यक दृष्टि की विशेषता, सम्यक दृष्टि का सबसे बड़ी विशेषता होती है वह जो कुछ भी करता है सब मोक्ष के लिए करता है, संसार के लिए नहीं करता। मजबूरी में उसे करना पड़ता है तो पश्चाताप करता है कि मैं कहाँ संसार में अटक गया, कहाँ मैं संसार की परिस्थिति में अटक गया, मेरा लक्ष्य तो मोक्ष है। भगवान की पूजा करेगा तो मोक्ष के लिए, व्रत विधान करेगा तो मोक्ष के लिए, और संसार के भी कार्य करेगा तो मोक्ष के लिए, परमार्थ के, रोटी भी खाएगा तो रत्नत्रय के लिए, पानी भी पिएगा तो रत्नत्रय के लिए कि मेरे रत्नत्रय का विनाश ना हो जाए, इस शरीर की भी रक्षा करेगा तो किस लिए, रत्नत्रय के लिए, क्योंकि रत्नत्रय की साधना उसकी दृष्टि में एक लक्ष्य होता है परमार्थ। कुछ भी करे, परिवार का भी पालन करेगा तो धर्म के लिए करेगा, कहीं ऐसा ना हो कि धर्म का विनाश हो जाए, धर्म की स्थिति हो जाए। बच्चों को भी संस्कार देगा तो वो एक ही कहेगा कि हमने तुम्हें जन्म इसलिए नहीं दिया है कि संसार बढ़ाने के लिए, हमने जन्म दिया है कि हमारे बाद भी आप लोग धर्म को आगे बढ़ाना, तो उसकी दृष्टि में लक्ष्य हो जाता है। और सम्यक दृष्टि सच्चे देव सार्थ गुरु को पहचानता है, सच्चे देव सार्थ गुरु की आराधना करता है, लोभ में भय में आदि में कुदेव कुसार्थ कुलगुरुओं के प्रति उसका समर्पण नहीं होता। कितना भी संकट आ जाए, कितनी परिस्थितियाँ आ जाएँ, लेकिन वो कुगुरु कुदेव कुसार्थों के प्रति अपना समर्पण नहीं दिखाता। सच्चे देव सार्थ गुरु जो होते हैं उनके प्रति उसकी आस्था दृढ़ होती है। ऐसे संक्षेप में कुछ आचार परक लक्षण होते हैं ऐसा।